हाय फ्रेंड्स, डीके सिन्हा दिस साइड। दोस्तों, लास्ट वीक में भारतीय शेयर बाजार एक साइडवेज मूवमेंट रहा। अगर ब्रॉडली देखें, अगर पिछले वीक के ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखें तो निफ्टी मार्जिनली बेरिश रहा, बैंक निफ्टी मार्जिनली बुलिश रहा और इंडियन करेंसी यूएस डॉलर आईएनआर करेंसी पेयर इंडियन करेंसी वीक होती हुई नजर आई स्ट्रॉन्ग डॉलर के अगेंस्ट। तो ये था ब्रॉडर आउटलुक लास्ट वीक का जो कंप्लीट हुआ। अब हम इस वीडियो में अपने आप को तैयार करेंगे आने वाले वीक के लिए कि क्या पॉसिबल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया हो सकते हैं निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, यूएसडी आईएनआर करेंसी पे। अगर मार्केट के सेंटिमेंट्स की बात करें तो मार्केट का सेंटिमेंट्स थोड़ा सा डिटोरिएट हुआ है, थोड़ा सा खराब हुआ है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को देखें, जिसे मार्केट मूड इंडेक्स बोलते हैं निफ्टी 50 के प्रति, तो उसकी करंट रीडिंग है 65.51। इसका तात्पर्य है कि वो ग्रीड जोन में, और एक सप्ताह पहले इसकी रीडिंग थी 79.97, तो वो एक्सट्रीम ग्रीड जोन में था। तो एक ऑसिलेशन देख सकते हैं ग्रीड से एक्सट्रीम ग्रीड जोन में। तो ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि सेंटिमेंट्स बहुत ज्यादा खराब हो गया है। यस, निफ्टी जो बेरिश रहा है मार्जिनली, उस कारण से एक्सट्रीम ग्रीड जोन से ये ग्रीड जोन में आ गया है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए स्ट्रेटवे प्राइस चार्ट पर चलते हैं, जहां निफ्टी, बैंक निफ्टी, यूएसडी आईएनआर करेंसी पेयर की टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया को प्राइस चार्ट पे मार्क करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं टेक्निकल एनालिसिस से निफ्टी 50 के इंडेक्स पे। यहां देखिए दोस्तों, ये वीकली प्राइस चार्ट को हम देख रहे हैं। तो लास्ट वीक में निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है वो 18,203.4 पे हुई है। इसका तात्पर्य है कि वीक ऑन वीक बेसिस पे मार्जिनली ये बेरिश रहा है 0.61% से। यहां देख सकते हैं एक बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन है। टेक्निकली स्पीकिंग, ये बेरिश कैंडल जो है ये बेरिश पियर्सिंग कैंडल का फॉर्मेशन है, क्योंकि इस मीडियन के नीचे में क्लोजिंग हुई है। लेकिन सिग्निफिकेंट बात क्या है दोस्तों, ये एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया था, जहां पर कई बार, ये इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन है दोस्तों, जहां पे कई बार निफ्टी 50 ने प्राइस का रिजेक्शन देखा, प्राइस का रिजेक्शन देखा, प्राइस का रिजेक्शन देखा। पिछले 2 वीक से ध्यान से देखें तो इस लेवल के ऊपर निफ्टी क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल ब्रॉडली हम बोल सकते हैं कि मार्केट का स्ट्रक्चर अब है हायर हाइज एंड हायर लोज का, और एट द सेम टाइम ये यहाँ पर जो की रेजिस्टेंस एरिया है इसको डिफेंड करता हुआ नजर आ रहा है। तो प्रायर मेजर बुलिश मूव का यहाँ पर देखें तो प्राइस का कंसोलिडेशन है, यहाँ भी प्राइस ने स्ट्रगल किया 2 सप्ताह पहले वाले वीक में, और उसके बाद में ये ब्रेकआउट हुआ था। अगर इस ब्रेकआउट के फॉलो थ्रू की बात करें तो लास्ट वीक जो क्लोज हुआ है इसने ट्रेडिंग की है प्रायर वीक के हाई के ऊपर में, ये सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन है। बट एट द सेम टाइम ये इसके लो में भी ट्रेड हुआ है। तो अब इसको डिमांड एंड सप्लाई जोन को समझने के लिए हम डेली प्राइस चार्ट में चलते हैं। केवल आपको ध्यान रखना है कि लास्ट वेल डिफाइंड इंपल्सिव वेव ये वाली है, तो रिट्रेसमेंट एनालिसिस में इस वेव का हम इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए डेली प्राइस चार्ट पे चलते हैं। यहाँ डेली प्राइस चार्ट में हम क्या देखते हैं कि यस, निफ्टी में गिरावट तो दर्ज की गई। गिरावट दर्ज करने के बाद ये जो गिरावट थी, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में प्राइस ने EMA 21 पर सपोर्ट लिया और बुलिश पिन बार का फॉर्मेशन हुआ, जो इंडिकेट करता है कि बहुत सिग्निफिकेंट पॉसिबिलिटी है कि अब निफ्टी का करेक्शन की समाप्ति हो गई है। और ये जो करेक्शन है सिंपल एक मीन रिवर्जन था कि प्राइस ने EMA 21 पे सपोर्ट लिया। अब मैं कुछ ड्राइंग को सुपर इम्पोज करता हूं ताकि चर्चा को हम आगे बढ़ा सकें। सबसे पहले यहां ध्यान दें ये ट्रेंड लाइन, प्राइस का रिजेक्शन, प्राइस का रिजेक्शन, प्राइस का रिजेक्शन। तो ये वर्चुअली क्या इंडिकेट करती है, लेफ्ट शोल्डर है
हेड का फॉर्मेशन, राइट शोल्डर और ये ब्रेकआउट हुआ, तो ये रिवर्सल चार्ट पैटर्न इस डाउन ट्रेंडिंग मूव के बाद यहां हमें नजर आ रहा है इनवर्स हेड एंड शोल्डर। इसके अलावा हम एक और ट्रेंड लाइन को देख सकते हैं जो राइजिंग ट्रेंड लाइन है, प्राइस का रेजिस्टेंस और ये राइजिंग ट्रेंड लाइन है, तो लेफ्ट शोल्डर, हेड का फॉर्मेशन, राइट शोल्डर, तो इसका भी ब्रेकआउट हुआ। तो हम दो शब्दों में इसे बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रेंड लाइन जो है बड़ी सिग्निफिकेंट है और अलग अलग प्रकार से एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर के ब्रेकआउट को सिग्निफाई करती है। तो अब ये जो राइजिंग ट्रेंड लाइन है ये अपने आप में एक सपोर्ट के रूप में काम करेगी जो ऑलमोस्ट किस कर रही है एसएमए 144। यहां देखिए एसएमए 144 को किस कर रही है। अब पिछली इंपल्सिव वेव के अगर रिट्रेसमेंट को चेक करें तो यहां बुलिश पिन बार कहां बना, 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल पे बुलिश पिन बार बना, जो कि डेरिवेटिव है गोल्डन रेशियो का। और क्या कॉन्फ्लुएंस था, ईएमए 21 का कॉन्फ्लुएंस है, और ये देखिए प्राइस का रेजिस्टेंस था, प्राइस ने यहाँ कंसोलिडेट किया तो इसका ये रेजिस्टेंस था, और ये कहीं ना कहीं राउंडिंग पैटर्न का नेकलाइन भी है, तो एक सिग्निफिकेंट लेवल से ये बाउंस बैक है। मान के चलिए कि अगर कुछ डीपर करेक्शन हो जाता है तो फिर क्या संभावना बनती है, 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल जो 17,900 पे आ रहा है, और ये जो राइजिंग ट्रेंड लाइन है इसका भी कॉन्फ्लुएंस है, ईएमए 55 का भी कॉन्फ्लुएंस है, एसएमए 144 का भी कॉन्फ्लुएंस है, तो कुल मिला के बहुत ज्यादा गिरावट की संभावना निफ्टी में नजर नहीं आ रही है। फिलहाल अगर हम प्राइस एक्शन को देखें तो हम ये बोल सकते हैं 18,000 से लेकर 18,100 का बैंड जो एक इंपॉर्टेंट डिमांड एरिया के रूप में हम देख सकते हैं। बाय द वे, अगर ये प्राइस 17,900 पे गई तो वो सस्टेन नहीं करेगी, और आप देखेंगे कोई वन वाइट सोल्जर या एक बुलिश पिन बार का निर्माण होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अब ऑलरेडी ये मार्कअप फेज में प्राइस आ चुकी है जहां फ्यूचर स्ट्रक्चर हायर हाइज एंड हायर लोस का रहने की संभावना है। अब डिमांड जोन तो हमने डिस्कस कर लिया कि सपोर्ट एरिया 18,000 से 18,100 रहेगा। अपसाइड की बात करें तो यहां देखिए एक इवनिंग स्टार का फॉर्मेशन है और प्राइस का कई बार रिजेक्शन है, तो 18,650 एक अगला रेजिस्टेंस के रूप में हम देख सकते हैं, और उसके पहले प्राइस का यहाँ रिजेक्शन है तो 18,500 भी अपने आप में एक रेजिस्टेंस होगा। एक नजर डालते हैं इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर के हिसाब से इसका टारगेट क्या आता है, तो आप देखिए इसका टारगेट भी 18,500 के आसपास में आता है, तो हम बोल सकते हैं आने वाले वीक में 18,500 से 18,650 का जो बैंड है वो एक रेजिस्टेंस एरिया होगा। अब लाइफ टाइम हाई क्या है निफ्टी 50 का, 18,887.6 है यहां पर, इसका जैसे ही ब्रेकआउट होगा तो एक मासिव राउंडिंग पैटर्न का ये ब्रेकआउट होगा जो निफ्टी 50 को काफी ऊंचाइयों पे ले जा सकता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं बैंक निफ्टी के प्राइस चार्ट पे और बैंक निफ्टी की टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। अब हम बैंक निफ्टी या निफ्टी बैंक के वीकली प्राइस चार्ट को देख रहे हैं, लास्ट वीक में इसकी क्लोजिंग हुई है 43,969.4 पे। इसका तात्पर्य है कि बैंक निफ्टी मार्जिनली बुलिश रहा है 0.4% से, और निफ्टी 50 को इसने आउट परफॉर्म किया है पिछले वीक। अब यहाँ सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन क्या हो सकता है दोस्तों, ये फाइनल वर्डिक्ट था जब निफ्टी ने एक ऑल टाइम हाई बनाया, इसके ऊपर में करंटली प्राइस ट्रेड हो रही है, तो बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ जो है निफ्टी 50 से बेहतर नजर आ रही है। यहां पर भी देखिए मार्केट का स्ट्रक्चर जो है हायर हाइज एंड हायर लोस का मार्केट स्ट्रक्चर है, तो यहां पर अगर टेक्निकली स्पीकिंग देखें तो ये प्रायर अपसाइड मूव का वीकली टाइम फ्रेम में ये कप एंड हैंडल पैटर्न का ऑलरेडी ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है, और लास्ट कैंडल को ध्यान से देखें तो एक लार्ज लोअर शैडो है जो इंडिकेट करती है इस लेवल पे प्राइस सपोर्ट होती लेती हुई नजर आ रही है। अब मैं कुछ ड्रॉइंग को सुपर इम्पोज करता हूं, यहां पर ध्यान से देखिए बैंक निफ्टी का लाइफ टाइम जो हाई है वो है 44,151.8, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे जो फाइनल वर्डिक्ट था वीकली क्लोजिंग बेसिस पे वो था
43,633. करंटली ये ट्रेड हो रहा है 43,969.4 पे. इसका मतलब फाइनल वर्डिक्ट के ऊपर पिछले दो वीक से ये ट्रेड हो रहा है और ये बहुत सिग्निफिकेंट है. यहाँ पे प्राइस ने स्ट्रगल किया, ये बेरिश कैंडल है, और उसके बाद में लास्ट वीक में, प्रायर वीक में एक वन वाइट सोल्जर का फॉर्मेशन हुआ, और इसके बाद करंट वीक में भी, जो लास्ट वीक अभी समाप्त हुआ, उसमें भी ये इसके लेवल के ऊपर में ये समाप्त हुआ. तो अगर हम इस कप एंड हैंडल पैटर्न के हिसाब से एक टारगेट को देखें तो ये एक 47,000 की यात्रा करने के लिए तैयार नजर आ रहा है. अब यहाँ पर डेली प्राइस चार्ट में चलते हैं ताकि इसकी फर्दर स्टडीज हम कर सकें. यहाँ डेली प्राइस चार्ट में देखिए, मैंने एक ट्रेंड लाइन को खींचा है. ये ट्रेंड लाइन देखिए, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, और ये ट्रेंड लाइन जो है ये में 21 को ऑलमोस्ट किस कर रही है. इसका मतलब ये ट्रेंड लाइन आने वाले समय में निफ्टी बैंक में एक सपोर्ट के रूप में काम करेगी. तो हम यहाँ कंक्लूड कर सकते हैं, ये पॉइंट ऑफ रिजेक्शन है, ये पॉइंट ऑफ रिजेक्शन है. तो 43,000 से 43,400 का जो बैंड है वो एक सिग्निफिकेंट सपोर्ट एरिया के रूप में काम करेगा, जहां उसे एडेड सपोर्ट मिलेगा ये राइजिंग ट्रेंड लाइन का और ईएमए 21. इसके अलावा सिग्निफिकेंट बात है कि अब ईएमए 55 ने एसएमए 144 को क्रॉसओवर कर लिया है और स्लोप देखिए अपसाइड है. तो ये एक स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है बैंक निफ्टी में. अब अपसाइड की बात करें तो दोस्तों अपसाइड में कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं है. एक जो लाइफ टाइम हाई है यहां पर एक स्ट्रगल कर रहा है. तो ये लेवल एक जहां पे इवनिंग स्टार का भी फॉर्मेशन है, तो एक माइनर सा रेजिस्टेंस है. बट अगला मेजर रेजिस्टेंस मैं देखता हूं 44,800 पे, क्योंकि अब जब चार्ट के ऊपर में कोई प्राइस एक्शन के अनुसार रेजिस्टेंस नजर नहीं आ रहे हैं तो हमें वेव की एनालिसिस करनी होगी. तो ये 44,800 क्यों इंपॉर्टेंट लेवल है, इसे समझने की कोशिश करते हैं. ये देखिए प्रायर इंपल्सिव वेव है. अगर हम इसके फिबोनाची एक्सपांशन टूल का इस्तेमाल करें तो ये देखिए 161.8% एक्सपांशन लेवल 44,800 पे आता है, और ये 127.2% एक्सपांशन लेवल का टारगेट अचीव करके ये माइनर सा करेक्शन हुआ, और ये एक्चुअली एक रेजिस्टेंस था प्रायर लाइफ टाइम हाई का. तो इसका मतलब अगला मेजर रेजिस्टेंस हम बोल सकते हैं 44,800 पर बैंक निफ्टी में नजर आ रहा है. तो ओवरऑल स्ट्रक्चर बैंक निफ्टी में काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है. तो यहां पर अगर हम देखें तो अल्टीमेटली ये तैयारी कर रहा है 47,000 के लेवल पे जाने की. चलिए अब बढ़ते हैं यूएसडी आईएनआर करेंसी पेयर का आउटलुक लेते हैं. यूएसडी आईएनआर करेंसी पेयर का ये वीकली चार्ट है दोस्तों. लास्ट वीक में इसकी क्लोजिंग हुई 82.8320. इसका मतलब इंडियन करेंसी कमजोर हुई है यूएस डॉलर के प्रति लास्ट वीक में 0.76% से. अब यहां देखिए ये ट्रेंड लाइन को, प्राइस का रेजिस्टेंस था, इसका ब्रेकआउट हुआ और जब ये करेक्शन हुआ तो ये सपोर्ट के रूप में एक्ट कर रही है. यहां इसने सपोर्ट लिया, यहां सपोर्ट लिया, तो भविष्य में भी ये ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट के रूप में काम करेगी. इसके अलावा यहां पर देखें प्राइस का कंसोलिडेशन बैंड है, और इस कंसोलिडेशन बैंड का अपर फाइबर जो है 82.2 पे निकल के आ रहा है. इसके बाद यहां भी प्राइस का रेजिस्टेंस है, तो हम बोल सकते हैं 82.2 से 82.5 का लेवल अब एक सपोर्ट के रूप में एक्ट करेगा. मेजर रेजिस्टेंस की बात करें यहां देखिए 82.9 से 83, नंबर ऑफ टाइम यहां प्राइस का रिजेक्शन है, तो इमीडिएट रेजिस्टेंस हम बोल सकते हैं 82.9 से 83 के लेवल पे ये रेजिस्टेंस है. बट दोस्तों अगर इसका ब्रेकआउट हो जाता है तो इसके ब्रेकआउट होने के बाद क्या होगा, 82.9 83 एक सपोर्ट के रूप में काम करने लगेगा. और वैसे भी अगर हम देखें तो ये एक असेंडिंग ट्रायंगल का भी ब्रेकआउट होगा और इस राउंडिंग पैटर्न का भी ब्रेकआउट होगा, तो वो इंडियन करेंसी को 84 के लेवल पे ले जा सकता है, जो 127.2% एक्सपांशन लेवल है अगर हम वेव की एनालिसिस करें. और कौन से वेव की, ये एक वेल डिफाइंड इंपल्सिव वेव है, इसकी एनालिसिस करें, या फिर ये एक वर्टिकल बेस है जो स्ट्रॉन्ग बेस है. तो अगला फिर 84
4K लेवल पे जा सकता है और पॉसिबिलिटी को हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं कि ये 85.4 पे भी चला जाए, क्योंकि ये 161.8% एक्सपांशन लेवल है। तो ओवरऑल व्यू ऐसा है कि यूएसडी INR करेंसी पेयर बुलिश है, इसका मतलब इंडियन करेंसी के कमजोर होने की संभावना ज्यादा अधिक है देन स्ट्रांग होने की, क्योंकि 82 के नीचे जाने की संभावना नियर टर्म में नजर नहीं आ रही है। यस, एक संभावना क्या हो सकती है, ये मल्टीपल टॉप है और इसका लोएस्ट पॉइंट ये है जो 80.47 पे है, अगर कोई ऐसा ब्रेकडाउन होता है तब जाके इसमें एक भारी स्ट्रेंथ आएगी इंडियन करेंसी में और ये बेरिश आउटलुक बन जाएगा यूएसडी INR करेंसी पेयर का। तो दोस्तों वीडियो को ढेर सारे लाइक कीजिए, आपके कमेंट्स का हमें इंतजार होगा, कमेंट्स में लिखिए कि क्या ये वीकली एनालिसिस का वीडियो जो इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर में आता है जिसमें हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और यूएसडी INR को कवर करते हैं, क्या आपको मदद करता है अगले वीक के स्टैंड्स को डेवलप करने में, अगली वीक की तैयारी करने में, तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अतिशीघ्र।